सो हाई गाइज दिस आर वॉचिंग एडुकेटिव वीक। तो यार आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग माँ बाप के बारे में और कुछ देखेंगे आगे एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, क्या माँ बाप के पास सीड बचेगा, कितना बचने वाला, क्या होने वाला, ये सब के ऊपर बात करेंगे और एकदम ऑफिशियल डेटा का देखेंगे एनालाइज करके यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यार यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करेंगे। और याद रखना यार कल आपका 15th है, लास्ट डेट है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का, तो यार जिसने नहीं करवाया याद से करवा लेना मॉपअप के लिए, ठीक है। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं, मैंने कुछ देर की, और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपको ऐसे ही अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते हैं। प्लस इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, जो भी डाउट्स हो क्लियर होगा तो, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत यूज़फुल आपको लिंक वगैरह भी मिल जाएगा जो आपका हेल्प होगा बहुत सारा। चलो देखते हैं आज का हम लोग वीडियो। तो यार यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करना है कि आपका जो अभी WBJEE का काउंसलिंग चल रहा है ये है आपका माँ बाप का। आपको जैसे कि पता है कि WBJEE टोटली 3 राउंड करता था, बट इस साल उसने 2 राउंड किया प्लस 1 राउंड उसने मॉपअप कर दिया, मतलब 3 राउंड तो किया ही है बट एक मॉपअप बना कर किया। तो मॉपअप कब किया जाता है, जब आपका लास्ट राउंड होता है, उसके बाद राउंड होता नहीं है, ठीक है। मॉपअप आखिरी मीन्स क्या बोलते हैं स्टेज होता है। तो ये तो क्लियर है कि WBJEE अब इसके बाद काउंसलिंग नहीं कंडक्ट कराएगा, WBJEE स्टॉप हो जाएगा अपना सीट अलॉट करके। बट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर राउंड 3 का आपको क्या बोलते हैं क्लोजिंग रैंक दिखाया जाए, तो ये देखो राउंड 3 है, मैंने कंप्यूटर साइंस का रेफरेंस लेके रखा है, आप किसी का भी चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफिशियल साइट में भी दिख जाएगा। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे तो फॉर एग्जांपल आप कोच बिहार का ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होमस्टेड कोटा, मतलब ये तो होमस्टेड ही लेगा, तो 2000 से लेकर के 6000 तक जा रहा है क्लोजिंग रैंक, ठीक है। ओपन का ही बात करते हैं, SC ST PWD का अलग है, ठीक है, हम लोग सिर्फ ओपन को देख के चलते हैं, मीन्स जनरल कैटेगरी को देख के चलते हैं, बाकी सारा को हम लोग डिस्कस कर लेंगे देख के उसी के रेफरेंस पे। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो देखो। तो हुआ क्या है कि ये है आपका 6552 तक गया है सेम। तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं पीछे, मतलब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ 2019 का डेटा, ठीक है, 2019 का डेटा मैं शो कर रहा हूँ यार, क्योंकि 20 का डेटा हम लोग इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि 20 का काउंसलिंग थोड़ा अलग था, 20 का काउंसलिंग इंडिविजुअल था और उसका डेटा में भी बहुत सारा हेर फेर था यार, इसलिए उसमें उसको रेफरेंस हम लोग ले नहीं रहे हैं। हम लोग 2019 का डेटा को रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि यह इस समय 19 पे सेम काउंसलिंग कंडक्ट कराया गया था जैसे अभी 2021 में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 राउंड्स टोटल हुए थे और 3 राउंड्स के बाद मॉपअप हुआ था, ठीक है, 3 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद भी मॉपअप हुआ था। तो अब क्या है यहाँ पे अगर देखें तो 3rd राउंड अगर इसका बात करें, सेम कोच बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 9665 तक जा रहा है 4000 से ओपन होके अप्रॉक्स, तो 4000 से लेकर के 9000 तक जा रहा है। वही अगर रीसेंट ईयर आज इस ईयर की बात करें तो 6000 तक ही कोच बिहार में जा रहा है, सिर्फ कोच बिहार का ही नहीं है, अगर हम देखते लेदर की तो लेदर में 3000 तक जा रहा है यार CS। वही अगर पिछले साल की बात करें, मतलब सॉरी 2019 की बात करें, तो 4000 तक लेदर में जा रहा है देखो। उसके बाद सेम अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ब्रह्मपुर की, तो 5000 तक इस साल जा रहा है कट ऑफ, ठीक है, वो भी मॉपअप का। वहीं पिछले मीन्स आपका 2019 में ब्रह्मपुर का आपका 8000 तक जा रहा था। वैसे भी कैंडिडेट्स के नंबर भी कम है पहले से, पहले जितने कैंडिडेट्स थे इस बार भी उतने ही कैंडिडेट्स अपीयर्ड है, इतना कुछ खास अंतर नहीं है। बट अब रैंक में देख सकते हो 2000 से 3000 का अंतर आ रहा है, मतलब इस बार जो रैंक है कट ऑफ का वो थोड़ा कम है पिछले बार के मुकाबले, बल्कि जबकि उल्टा होना चाहिए था इस बार और ज़्यादा होना चाहिए था, बट कम है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग चलें और अच्छे कॉलेज से कल्याणी की बात करें, तो कल्याणी देखो 992 तक CS लिया है, सिर्फ 992 तक CS लिया है होम स्टेट कोटा से, जनरल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ अगर देखें कल्याणी की बात कर लेते हैं, तो कल्याणी यहाँ पे 1500 तक गया था, 1500 तक होम स्टेट कोटा लिया था, जनरल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना जनरल की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 992 तक में ही रुक गया है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर JU की बात करते, चलो JU भी देख ही लेते यार अपना, तो JU की अगर बात करें नीचे होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा है आपका, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1 से 7 ऑल इंडिया और होम स्टेट 61 तक गया है, जनरल की बात कर रहे हैं, होम स्टेट 61 तक गया है। वही पिछले साल मीन्स आपका 2019 का अगर डेटा देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 107 तक गया था।
तो आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे आपको लैग देखने को मिल रहा है रैंक में। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस बार तो पहले बात है सीट्स बहुत जल्दी फुलफिल्ड हो गए बोला ही गया था, ठीक है सीट्स बहुत जल्दी फुलफिल्ड हो गए, लेकिन सीट्स फुलफिल्ड किया गया है सिर्फ बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में, यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह में, और बस यही, और हो सकता है वगैरह कल्याणी वगैरह में हो तो हो, ऐसे चांसेस कम है। बट मेनली बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए, अगर 2019 का डेटा देखा जाए, इतने ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी सीट बहुत ज़्यादा वैकेंट था, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब फिर भी वैकेंट था, हर एक डिपार्टमेंट में सीट्स वैकेंट था, जैसे कि सीएस वगैरह में थोड़ा वैकेंट था, दो चार ऐसे करके, और वैसे ही अगर बात करें सिविल वगैरह इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कोर ब्रांचेस में बात करें तो अच्छा खासा वैकेंसी था, मीन्स 20 सीट्स तक भी जा रहा था किसी किसी में। तो इतना सारा सीट्स वैकेंट हो गया था, इतना ज़्यादा रैंक जाने के बावजूद भी वही इस साल इतना कम रैंक तक कट ऑफ गया है, इतना कम रैंक तक कट ऑफ गया है, मतलब इतना कम रैंक तक गया है। बट इस बार तो इससे क्या समझ में आता है कि सीट्स तो खाली होने वाले हैं, ठीक है सब में नहीं होगा, क्योंकि ये अगर वही बात करें ना, अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे एकदम बहुत खतरनाक वाला कॉम्पिटिशन चल रहा है, देख रहे हो सीएस की बात करें इसलिए इतना कम रैंक है, अंडर 100 चल रहा है, जो कि ऐसा होता नहीं 200 तक 300 तक जाता है, पहले के कट ऑफ तुम देख सकते हो यार 200 तक भी गया है आपका, 107 तक गया है नॉर्मली, जनरल की बात कर रहे हैं, ओबीसी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा जाता भी है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सेकंड वाला आपको ओबीसी पीडब्ल्यूडी शायद होगा, हाँ ओपीपीएच है हैंडीकैप्ड के लिए, तो बहुत ज़्यादा जाता है, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ जनरल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग है, अब पीछे कट ऑफ ज़्यादा था बट फिर भी मॉपअप हुआ, इस बार कट ऑफ इतने कम है तो ऑब्वियस सी बात है सीट वैकेंट रहने वाला है, बहुत सारा सीट, जैसे कि बहुत सारा अगर आप जादवपुर के भी बात करें तो जादवपुर में बहुत सारा ब्रांचेस है, जैसे कि आपको प्रिंटिंग प्रोडक्शन ये सब में सीट बच जाता है, और बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल में भी सीट बच जाता है, सीएसआईटी में नहीं सीट बचे लेकिन मैक्सिमम कोर वगैरह में सीट बचेगा, सेम कल्याणी के लिए भी है सबके लिए भी। तो अब क्या होगा? तो इसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा है कि डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, और वो काउंसलिंग आपका WBJEE कंडक्ट नहीं करवाएगा, वो काउंसलिंग आपका हर एक के वेबसाइट में इंडिविजुअल आएगा, जो पिछले साल भी हुआ था 2020 में, इसका नोटिफिकेशन का आपको अच्छा से डिटेल आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है हर एक के वेबसाइट में अलग अलग आता है, कल्याणी अपना खुद रिलीज़ करेगा, JU अपना खुद रिलीज़ करेगा, CU अपना खुद रिलीज़ करेगा, और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही आएंगे, प्राइवेट में नहीं आएगा, यह ध्यान रखना, ठीक है ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है, प्राइवेट नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज्ड बोलो या स्पॉट बोलो, बात एक ही है, आपको टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे आपको आना है और डायरेक्टली वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा आपके रैंक पे बेसिस पे, मीन्स जितना अच्छा आपका रैंक होगा चांसेस उतना ही अच्छा होगा वहाँ पे होने का, ठीक है। और होप करो कि सीएस वगैरह में भी सीट रहे तो आपका बहुत अच्छा, जो जो बहुत अच्छे रैंक वाले बच गए, और यहाँ पर आप ये भी काम कर सकते हो कि अगर बाई चांस आपको मान लो कल्याणी मिल चुका है लेकिन आपको चाहिए जादवपुर, ठीक है जादवपुर में आपका इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, तो आप जादवपुर में इलेक्ट्रिकल का जब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा तब वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, टेंशन मत लेना, पीछे का फी आपका रिफंड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ये सारा प्रोसेस कंफर्म है, क्योंकि ये जो काउंसलिंग होगा अब लास्ट होगा, मॉपअप के बाद रूल यही बोलता है कि मॉपअप जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग ही बचता है आपका आखिरी मौका, अगर सीट्स वैकेंट रहता है तो, और देख के डेटा जो यही है कि सीट्स वैकेंट रहने वाला अच्छा खासा, तो वेट करो आपको नोटिस भी मिलेगा, जल्द ही मिलेगा, और जब मिलेगा तो आपको अपडेट इस चैनल में मिल ही जाएगा, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अच्छा से काउंसलिंग करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।